एक आदि क्वेश्चन किया था, याद है? Yes, याद है हम आपको, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स तक आगे थे अपन? आगे थे कि नहीं आगे थे? चलिए आगे बात करते हैं ना। सीपीएस अपन अभी थोड़ी देर रुक के करेंगे, आपको अपने आप कारण समझ में आ जाएगा क्यों आखिरकार रुकने को बोला होगा मैंने, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड नंबर ऑफ थ्री, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर यूजिंग, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई। 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करते हुए तीन डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हैं, ठीक है साहब? ऑब्वियस ही बात है, आपको बनाने हैं तीन डिजिट के नंबर, बहुत ध्यान से समझ समझ के खेलना है। तीन डिजिट के नंबर अगर आपको बनाने हैं तो तीन डिजिट के लिए आपने तीन खाने खोल दिए, ठीक है ना भाई। उसमें पहले खाने पे मैंने किसी भी 100 का प्लेस कराता है, वैसे तो ये पहले खाने में अगर भाई बात करते हैं तो हमारे पास में कितने ऑप्शन जाने को तैयार है? पहले में 5 ऑप्शन जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, ठीक है। अगर भाई दवे दूसरे की बात करी जाए, दूसरे में कितने जा सकते हैं? 4। अब यहां पर तुरंत आपके दिमाग में दो बातें आ जानी चाहिए कि सर हो सकता है क्वेश्चन में रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, और हो सकता है क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड हो, तो आपके लिए कहानी सर दो हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर भाई दवे आपने पहले में 5 डाल दिए और आप रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि 4 गए अगले में। इसका मतलब ये कि ये वो खेल है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड की बातें चल रही हैं। कहानी यहां से क्लियर है? रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात होगी तो पहले में 5 जा रहे हैं और अगले में कितने जा रहे हैं? 4। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो पहले चढ़ गया वो अब दोबारा नहीं चढ़ेगा। तो 5 अगली बार के लिए कितने ऑप्शन? 4। अगली बार के लिए कितने ऑप्शन? 3। तो 5 × 4 × 3 ओवरऑल अगर देखा जाए तो 60 डिजिट्स बन सकते हैं, 60 अलग अलग प्रकार के नंबर बन सकते हैं, राइट भाई। ये तो हुआ पहला केस। दूसरा केस, अगर बाई द वे मैंने बोला रिपीटेशन अगर अलाउड हो तो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता? पहले नंबर पे कितने लोग चढ़ते? 5। अगले पे फिर से 5 और अगले पे फिर से 5, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितने होते हैं आंसर में? 125। आई कहानी पकड़ में? तो यहां से हमारे को एक और चीज पता चलती है कि डिजिट्स में हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ठीक है। Always check in the questions of digits that repetition allowed or repetition not allowed. ठीक है, first thing first, second point पा रहा हूं। हाँ भाई, एवरी टेलीफोन नंबर कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, बट सॉरी हाउ मेनी टेलीफोन नंबर आर देयर विच डू नॉट इंक्लूड एनी अदर डिजिट बट 2, 3, 5, 7, ठीक है। अगर बाय द वे इसकी कहानी को देखा जाए तो क्वेश्चन वाला क्या कहता है, हर टेलीफोन नंबर जो है उसमें 7 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर बन रहा है,
अगर सात डिजिट्स का टेलीफोन नंबर बन रहा है तो क्वेश्चन में अगली लाइन कहती है हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स आर देयर, कितने टेलीफोन नंबर आप बना सकते हैं विच डू नॉट इंक्लूड, जिसमें इनके सिवा 2, 3, 5, 7 के सिवा कोई और नंबर यूज नहीं किया गया। तो आपकी जानकारी वापस सुदृढ़ कर देते हैं, टेलीफोन नंबर 2222 भी होता है। हाँ या ना, माने टेलीफोन नंबर के अंदर स्ट्रिक्ट नहीं होता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, माने रिपीटेशन अलाउड संभव है। याद है ना, अपन कई ऐसे मोबाइल नंबर कैरी करते हैं जिसमें पेंटा 7 होता है, याद है कि नहीं। इसका मतलब ये कि टेलीफोन नंबर अपने आप में ऐसी चीज है जहां आपको दिमाग ये लगाना है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो पहली चीज तो रिपीटेशन अलाउड का केस है, नंबर वन। दूसरी चीज, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट तो रिपीटेशन अलाउड है। दूसरी बात क्या कि हमारे पास में हर जगह पे बैठने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4। हर जगह पे बैठने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि पहली जगह पे कितने, 4, अगली जगह पे कितने, 4, इसकी अगली जगह पे कितने, 4, और ऐसा कितनी बार, 7 बार। कुल मिलाकर के अगर 7 टाइम्स है, ठीक है, तो कुल मिला के आंसर कितना होगा, 4 to the power 7। कहानी पकड़ में आ गई, हर जगह पे जाने के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये पूरी कहानी सिर्फ इसकी वजह से संभव हुई, रिपीटेशन अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होता तो 7 डिजिट का नंबर ही नहीं बन सकता था, क्योंकि पहली जगह पे कितने जने जाते हैं, 4, अगले पे 3, अगले पे 2, अगले पे 1, और उसके बाद फंस गई गाड़ी, गाड़ी पकड़ मांगी। इसका मतलब यह कि 100% बात है रिपीटेशन अलाउड था। कहानी ऑटोमेटिकली यहां पे क्लिक करनी चाहिए। अगला पॉइंट, इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स, ठीक है ना, कैन बी मेड इफ 3 different boxes आर अवेलेबल। ठीक है, लिख लिया आपने, इफ 3 different boxes आर अवेलेबल, ठीक है। यहां क्या घपला होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें कभी भी बॉक्स और लेटर का खेल हो रहा होता है, हम अक्सर उल्टा सोच बैठते हैं। हम सोचते हैं लेटर बॉक्स में जा रहा है, ठीक है ना, लेटर बॉक्स के अंदर जा रहा है, नो डाउट लेटर ही बॉक्स में जाएगा, लेकिन कहानी के अंदर अगर देखा जाए ऑप्शंस लेटर के पास में है, ऑप्शन लेटर के पास में है कि वो किस बॉक्स में जाता है। तो पहले लेटर के पास कितने ऑप्शन, 3, और दूसरे के पास 3, याद है कि नहीं, क्यों, हमें एक बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट लेटर ठीक है ना, हैज कितने बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, राइट है कि नहीं। इक्वली सेकेंड लेटर ऑल्सो हैज 3 बॉक्सेस। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं किसकी, थर्ड लेटर की, थर्ड लेटर ऑल्सो हैज 3 बॉक्सेस। इसका मतलब फोर्थ लेटर विल ऑल्सो हैव 3 बॉक्सेस एंड फिफ्थ लेटर विल ऑल्सो हैव 3 बॉक्सेस। सो हाउ मेनी बॉक्सेस विल हैव, इसका मतलब 3 to the power 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है, 3 to the power 5 वेज, ठीक है। और वैसे भी याद रखना, ये तो खास है, खास क्वेश्चन, कभी भी लेटर और बॉक्स या बॉल और बॉक्स की बात चले तो हमेशा बॉक्स टू द पावर बॉल और लेटर होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। इमूवेबल की पावर मूवेबल याद रखना, ये अक्सर कंफ्यूज करता है, अक्सर स्टूडेंट के मुंह से 5 की पावर 3 निकल जाता है, उल्टा बोल बैठता है। मान लीजिए आप एकदम अपनी उसमें नहीं है और आपने अगर भाई तो जल्दबाजी में बोल दिया ना, तो आपको दिखेगा कि लेटर के पास ऑप्शन थे, नहीं मैं तो सही बोल रहा हूं, लेटर के पास ही तो ऑप्शन थे, उल्टा दिखता है लोगों को क्या कि बॉक्स के पास में कितने लेटर दसते हैं, पहले बॉक्स में 5 लेटर, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, उसे यह दिखने लगता है, नहीं आया समझ में, ये उल्टा दिख जाता है, जबकि मैं जो दिखा रहा हूं वो सही तरीका है, हर लेटर के बाद 3-3 ऑप्शन। ये इकलौता ऐसा केस है जहां थोड़ा सा ध्यान रखना भाई आपको, है ना। अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करता हूं, नेक्स्ट। क्वेश्चन है 10th, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आर गिवन,
ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, ठीक है भाई, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हां भाई बात करते हैं, आइए साहब याद दिलाता हूं कल के एक बात पे, मैंने आपको बोला था जब भी आप कॉइन उछालते हैं हर कॉइन के पास कितने ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल, दो ऑप्शन होते हैं। उसके साथ मैंने एक और बात भी बोली थी, हर स्विच के पास कितने ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से, ऑन और ऑफ। हर दिन के पास कितने ऑप्शन होते हैं, क्लाउडी और क्लियर, याद है ना। वैसे ही हर क्वेश्चन के पास में जो ट्रू फॉल्स के उसके पास कितने ऑप्शन है, दो, ट्रू और फॉल्स, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अगर देखा जाए 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो इट इज इक्वल एंड टू 10 कॉइन्स, अपने आप में 10 कॉइन्स के बारे बारे की बातें कर रहे हैं। हाँ यार, तो सोचो अगर किसी को याद हो तो, अगर तीन कॉइन उछलते हैं तो ऑप्शंस होते हैं 2 to the power 3, और अगर भाई तो 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है तो कितने आंसर के पॉसिबिलिटी, 2 to the power 10। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट 2 to the power 10 लगाया, ठीक है ना, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगा 2 to the power 10, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे दिमाग लगाएगा, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है ना भाई। इसको अगर भाई तुम्हें अगर आपको चाहिए तो मैं इसको वैसे भी बता सकता हूं क्या, कि पहले क्वेश्चन के पास कितने आंसर, कितने ऑप्शन थे, पहले क्वेश्चन में कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, दो, दूसरे में दो, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, किसी को फिर माने इंटू, फिर माने इंटू कर रहा हूं, याद है ना, पहले क्वेश्चन के बाद दो ऑप्शन, फिर दूसरे के बाद दो ऑप्शन, फिर तीसरे के बाद दो ऑप्शन, तो दो इंटू दो इंटू दो, ऐसे मिला मिला करके देखूंगा तो 2 to the power 10। आप बोलो तो लिख लेंगे, अपन लिख लेते हैं, है ना, नहीं लिख भी लो ये बात, ये आज के दिन आपको हो सकता है आप बहुत इजी सर्कमस्टांसेस में जीरो आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे आप इस चैप्टर से बाहर जाओगे ये फिर आपकी कीमत मांग लेगा, राइट है, तो लिख लेना। देखा फर्स्ट क्वेश्चन हैज, ठीक है ना, टू ऑप्शन, याद है ना, ठीक है, फिर लिख रहा हूं जानबूझ करके, फिर सेकेंड क्वेश्चन हैज टू ऑप्शन, राइट है, फिर थर्ड क्वेश्चन हैज थ्री ऑप्शन, राइट है, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेंथ क्वेश्चन हैज ऑल्सो टू ऑप्शन, है ना भाई, तो एवरी क्वेश्चन हैज टू ऑप्शन, इंप्लाइज 2 into 2 into 2, दैट इज 2 is equal to 2 to the power 10 ऑप्शन आर अवेलेबल। इतने प्रकार से ओएमआर भरी जा सकती थी, माने अगर भाई द्वे अगर किसी बच्चे के किसी क्लास में टेस्ट लिया जाता, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैंने क्या बोला, मान लीजिए इस क्लास में अगर टेस्ट लिया जाए और सबकी ओएमआर अलग अलग हो तो इसका क्या मतलब समझा जाता है, दिमाग की खिड़कियां खोलने का टाइम। सबकी ओएमआर अलग अलग होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए इसने 10 क्वेश्चन में सब पे टी 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 लगाया है तो अगले ने टी 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 लगाना बंद कर देना है सब पे, अगला भले एक चेंज करे, भले किसी भी एक टी की जगह फॉल्स लिख दे, लेकिन उसको बदलना पड़ेगा, और जिस जगह पे इसने एफ लिख दिया उसके पीछे वाले को उस जगह पे एफ को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे एफ लिखने की मनाई, सॉरी हां भरनी है, बात समझ में आ गई आपको, इसका मतलब हर ओएमआर पिछली वाली ओएमआर से डिफरेंट है, कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब यह कि अगर किसी का 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाता तो 1024 अलग अलग प्रकार की ओएमआर बन सकती थी, 1024 अलग अलग प्रकार की ओएमआर बन सकती थी, माने अगर क्लासरूम में सबकी ओएमआर डिफरेंट होती तो मैं देख के बता सकता था कि इस क्लास की स्ट्रेंथ 1024 है, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि क्वेश्चन में 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और सबकी ओएमआर अलग अलग है, और यह सिर्फ तभी संभव है जब 1024 अलग अलग प्रकार के आंसर हर बच्चे ने दिए हो, नहीं आया समझ में, हर प्रकार का बच्चा जो भी बैठा था वो एक से दूसरा भिन्न आंसर दे रहा था, डिफरेंट आंसर दे रहा था, इसका मतलब क्लास में स्ट्रेंथ 1024 थी, नहीं आया समझ में, कहानी क्लिक कर रही है, धीरे धीरे क्लिक करेगी, ये क्या कह रहा हूं मैं, मैंने कहा ना ये चैप्टर जैसे जैसे चढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी, अच्छा हाँ इसकी ओएमआर अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, भले एक अंतर है, भले एक का दूसरे में भले एक छोटा सा ही अंतर, लेकिन मैं अलग मानूंगा उसे, कहानी क्लियर है, यहां तक की बात में कोई दर्द नहीं। अब सपोज करो कि जितनी ओएमआर बनी
उनमें जिसने टी 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 10 बार लिखा था वो इकलौती ओएमआर सही थी, उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं है बात समझ में? उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यहां तक की बात समझ में आ रही है? उसको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहां समझना, तो मेरे को यह बताइए कि किसी ने अगर कल को क्वेश्चन में यह पूछ लिया कि कितने प्रकार से सही उत्तर दिया जा सकता था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक, ओनली वन ओएमआर वॉज देयर विच वॉज ट्रूली परफेक्ट। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने प्रकार से गलत आंसर दिए जा सकते थे? 1023। समझ रहे हैं? क्योंकि बाकी सबकी एक भी गलती है तो गलत मानेंगे हम। कहानी क्लियर है? है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? नंबर ऑफ वेज, ठीक है, छोटा करके राइट आंसर कैन बी गिवन। हाँ भाई, कितने प्रकार से सही उत्तर दिया जाता था? हाँ भाई, क्या लिखूं? एक। कहानी क्लियर है ना? एक ही प्रकार से सही उत्तर दिया जाता, जिसकी ओएमआर बिल्कुल परफेक्ट है उसको पूरे नंबर मिलेंगे, उसी को सही आंसर कहेंगे, ठीक है ना? सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वेज वन कैन अटेम्प्ट ऑल रॉन्ग आंसर्स। हां जी साहब, कितने तरीके से सारे क्वेश्चन गलत करे जा सकते थे? एक, जिस जगह ट्रू लगाना था बेटा फॉल्स लगा रहा था, जिस जगह फॉल्स लगाना था बेटा ट्रू लगा रहा था, सारे आंसर उल्टे बोल के आया। एक ही जना हो सकता था ऐसा? नहीं है। अब आपके दिमाग में क्या था? पता है बच्चे के दिमाग क्यों? दूसरे ने क्या तो चूड़िया पहन रखी थी क्या? है कि दूसरा भी ये कर सकता? अरे यार कर सकता, लेकिन हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें सब अलग अलग है। नहीं आया समझ में? हम ऐसा सोच रहे हैं जिसमें सब अलग अलग है। तो अगर इसने जो ओएमआर भरी है पांच वाला, वो ओएमआर नहीं भर रहा, ये पहले से हमारे दिमाग में तय है। इसका मतलब गलत तरीके कितने हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के? एक। सारे क्वेश्चन का सही जवाब देने का तरीका एक। कहानी पकड़े? अच्छा आगे 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 चलो, अगला 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 है ना, आंसर इज वन, ठीक है? डी और डी क्वेश्चन है, ठीक है? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इन विच वन कैन, ठीक है ना, वन वन नहीं, एटलीस्ट वन कैन, एटलीस्ट वन कैन, वन कैन बी करेक्ट, एटलीस्ट वन कैन बी करेक्ट। हाँ भाई, याद रखिएगा ये बात, आपके दिमाग में अभी से घोल दूं, है ना, कि जिंदगी के अंदर क्वेश्चन में कभी भी ये कहानी पकड़ में आ जाए एटलीस्ट वन, तो याद रखना एटलीस्ट वन इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। कहानी है बिल्कुल एकदम कविता की तरह से याद हो जाएगी। तो मैंने क्या बोल दिया? एटलीस्ट वन इज इक्वल टू कितना? टोटल माइनस नन। समझना भाई, टोटल कितने तरीके से आंसर दिया जा सकते थे? 2 to the power 10 माने 1024, और नन का मतलब नन करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं। कितने तरीके से सारे रॉन्ग आंसर दे सकता था? अरे एक, इससे पिछला वाला क्वेश्चन भूल गए क्या? एक। तो बाकी सारे तरीके क्या थे? वो तरीके थे जिनमें कम से कम एक तो सही होता, सारे तो गलत नहीं होते, सारे गलत वाला तरीका तो एक ही था। तो अगर मैं, समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया है ना, तो ये लिख दूं डायरेक्ट कितना 1023 में। फिर फोकट में अपनी एनर्जी यहां पर वेस्ट करूंगा, अगले पे चलता हूं, ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह की बात आपसे पूछा था और आप लोगों ने जवाब दिया था, अब आपको खुद को मिलाने का समय मिला लेना दिमाग में ना, ठीक है? हाँ भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नंबर ऑफ वेज
अगला क्वेश्चन ये फटाफट से अगले क्वेश्चन बता दो. नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन पुट ठीक है ना, फाइव बॉल्स इन थ्री बॉक्सेस. बोलना नहीं है, अपना हाथ खड़ा कर देना ना. आंसर बोलते खत्म है क्योंकि टीएनसी में होता है, आंसर ही तो होता है. हमें कितने लोगों को याद है फार्मूला, कितने लोगों को याद है बॉक्स टू द पार बॉल, या फिर क्या बोला था मैंने इमूवेबल की पार मूवेबल. याद आया इमूवेबल कौन है, बॉल या बॉक्स? बॉक्स. तो आंसर कितना हो गया, कितने बॉक्स? थ्री टू द पार फाइव है ना भाई. जानबूझ करके आपको इस जगह पे दोबारा उठाया, हालांकि क्वेश्चन नहीं था, प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है. ये याद करा दूंगा मैं धीरे धीरे. अगले क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी ठीक है ना, फोर डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट है भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जरा कहानी को संभालना ठीक है भाई. हाँ भाई वापस कहानी में क्वेश्चन किसका है, डिजिट का. दिख रहा है आपको कहानी में क्वेश्चन किसका है, डिजिट का. मैंने क्या बोला था, डिजिट के क्वेश्चन में हमेशा पक्का करो किसको, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है. राइट है ना भाई, पहला केस ले रहा हूं जब मेरी कहानी के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड. कहानी क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक बात ठीक है. हर चीज में अलग फ्रेम है. कहानी में क्वेश्चन में कभी भी इवन नंबर हो और दिए गए डिजिट्स में जीरो हो तो हमेशा दो अलग अलग पार्ट में खेलना. जीरो को टोटल सेपरेट, जीरो की कहानी अलग बनानी है हमारे को. राइट है? अब मैं पहला केस ले रहा हूं जब मैंने आखिरी नंबर पे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, चार डिजिट का. तो खांचे कितने काटू, चार खांचे काट दिए, प्लस दूसरे वाले में भी चार खांचे काटे. आप में सभी को यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहला डब्बा किसके नाम से, जीरो के नाम से, जिसमें जीरो कहां बैठेगा, आखिरी नंबर पे. याद है इवन नंबर कैसे देखते हैं आप, आखिरी नंबर इवन हो तो इवन नंबर होता है, आया ना. तो इवन नंबर के नाम पे हमारे पास कौन कौन सी पार्टी है, 0, 2, 4 और 6. आया ना, जिसमें से मैंने एक केस को बिल्कुल टोटली सेपरेट कंसीडर मार दिया है. और वो केस क्या है, जीरो. जीरो ने कहा मैं यहां बैठूंगा. जीरो को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, एक ले बैठ जा, नहीं आया. अरे एक जने को कैसे बैठाओगे, ले बैठ जा भाई. कितने तरीके से बैठा है, एक नहीं आया समझ में, एक तरीके से बैठा दिया, बैठा दिया. अब बाकी सारे नंबर मेरे लिए खुल गए. जीरो को यहां बैठाते ही कितने नंबर बच गए मेरे पास, छह में से कितने नंबर पहले नंबर पे चढ़ेंगे, छह. क्योंकि जीरो तो पीछे अटक गया, इसीलिए तो जीरो को अलग कर दिया था कि भाई तू परेशान नहीं करेगा, अब तू फंस गया है कि नहीं. तो यहां पे कितने नंबर तरीके से बैठाऊंगा, छह. अगले वाले पे पांच, अगले वाले पे चार, प्लस अगले पे चल रहा हूं. रेडी, अब यहां पे कौन कौन से नंबर बैठ सकते हैं बोलो. जीरो तो केसी अलग हो गया, यहां पे कौन कौन से, दो चार छह. इस जगह पे कितने उम्मीदवार, तीन. माने तीन तरीके से भर सकता हूं डब्बा, आया ना. पहले नंबर पे बोलो कितने तरीके से बैठाऊं, पहले तरीके पहले नंबर पे पांच. क्यों, किसको हटा रही है, जीरो को. जीरो नहीं बैठ सकता ना पहले नंबर पे भाई, पिछला वाला केस थोड़ी ना है. पिछली बार तो जीरो लॉक हो गया था पीछे वाले डब्बे में, मेरे साथ रहना. ये जीरो पिछली बार लॉक हो गया था, अब की बार जीरो लॉक नहीं हुआ है, सेफ खुला घूम रहा है, तो इसलिए पहले नंबर पे जीरो को हटाना पड़ेगा. और कौन सा नंबर हटेगा जो यहां बैठ गया, नहीं आया समझ में. दो नंबर हटा दो, दो नंबर हटते बाकी कितने जने रह गए, पांच. तो इस जगह पे कितने जने बैठ गए, पांच. आई समझ में, अगले वाले पे कितने, पांच. जीरो वापस आ गया, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आई. जीरो क्यों वापस आया, क्योंकि पहले नंबर पे अगर जीरो बैठ जाता तो चार डिजिट का नंबर कौन गिनता, दुनिया कहती तू तो तीन नंबर गए रे. नहीं आया समझ में, समझ में आया. लेकिन जीरो अगर पीछे बैठ जाए तो चार डिजिट का कहते हैं, तो इस जगह पे बैठने के कितने ऑप्शन, पांच. अगले वाले पे चार इंटू तीन, तो टोटल गिन लेंगे. इतने तरीके से इवन नंबर बन सकते थे. राइट है, एक. अभी क्वेश्चन के अंदर पार्ट टू सुनना. पार्ट टू क्या कहता है, रिपीटेशन अलाउड. रिपीटेशन अगर अलाउड हो गया, फिर से दो डब्बे खोल रहा हूं भाई लोगों, ठीक है. लो कौन कौन से दो डब्बे, किस किस के नाम से बोलो. जीरो बैठा दो, कितने तरीके से बैठाऊं, एक. राइट है भाई,
इसको भरने का तरीका एक, पहले धागे पे कितने देने, हाँ छह, अगले पे छह, अगले पे छह, कानी पकड़ भाई, प्लस अगले की बात बोलो, इसके जगह पे कितने, तीन, कौन कौन से, दो चार छह, मेरे साथ रहना, दिखेगा दिखेगा 100% दिखेगा, मैं कह रहा हूं दिखने लग जाएंगे आपको चीजें, पहली जगह पे कितने, दो चार छह, तीन तरीके से बैठा सकता हूं, इस जगह पे पांच, अगले वाले पे पांच या छह, कौन कौन से जो यहां बैठा वो प्लस जीरो भी आ गया तो छह, अगले वाले पे छह, क्लिक है कि नहीं, नहीं है वहां पे छह नहीं पांच, जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ के छह, क्या कहते हो बदल दूं क्या, रुको 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 तो सही, सोचो तो सही, जो पीछे बैठ गया क्या वो आगे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है, क्या कहते हो भर दो, सही है, आसान खेल छे, पकड़ में आ गया, इवन नंबर बैठेंगे अपने आप, अपने आप इवन बैठेगा क्योंकि पीछे वाले आपने लॉक कर दिया, दो चार छह, कौन सा वाला सात, बीच वाले में सात आएगा पक्का, नहीं अगर आप मेरे को मना लोगे तो मैं हाँ भर दूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सात कर दूं, अगले वाले में भी सात कर दूं या फिर से, नहीं जागे, कौन कौन से लोग जागे, देखो पहले वाले पे तीन, ये तो लॉक कर दूं, अच्छा इधर वाले पे बोलो फिर एक बार जरा, बोलो बोलो, सात 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 बोलो ना, अच्छा इधर बोलो छह सात सात, आप बोले ढंग से, इधर वाले पे बोलो, इधर वाले पे छह सात सात, दो बार बदलवाया, मैंने कहा ना दिखेगी आपको चीजें, दिखने लग गई हैं धीरे धीरे, और पहले तो पांच लिखवा रहे थे और अगले वाले में तो आप चार लिखवा रहे थे, फिर छह 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 पे राजी हुए, फिर सात पे राजी हुए, आप मेरे को मना सकते हैं ऐसा नहीं है, आप गलतियां हमसे भी हो जाएंगी कोई, कई बार तो हो भी जाएंगी, ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूं तो पता चला मैं खुद गलत कर गया, ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन लॉक करना आप मेरे को उस जगह, राइट है, बाय जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हाउ मेनी नंबर्स, फर्स्ट ऑफ फाइव डिजिट्स, ऑफ फाइव डिजिट्स ग्रेटर देन ए 24,000, हाँ जी साहब, करो मत, करो मत, हाँ जी साहब, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत शुरुआती गेम खेल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे चलोगे आपका दिमाग एकदम बिखर जाएगा कहीं जगह तो, और क्या क्या सोचने में मजबूर करता है, आओ कितने डिजिट है साहब, सात, कोई इवन ओवन का चक्कर, डिजिट का क्वेश्चन सुनते ही अगर रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, दो केस सुनने में आने थे, है ना भाई, अच्छा अगला क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइव डिजिट ग्रेटर देन 24,000 कैन बी मेड, है ना भाई, हाउ मेनी, हाँ ठीक है ठीक है, हाउ मेनी कुछ भी नहीं बोला ये, है ना, हाँ भाई कहानी के अंदर चल रहा हूं मैं, है ना, 24,000 से बड़े कितने अंक बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना, कितने डिजिट के, कहां लिखा है, पढ़ा के नहीं पढ़ा, पांच डिजिट के कितने नंबर 24,000 से बड़े बनाए जा सकते हैं, तो पहली बात मेरा काम बन गया कि मैं आपके सामने डब्बा खोलूं, कितने डिजिट का, पांच डिजिट का डब्बा खोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना, पहली बात मैं आपके सामने गिनती चालू कर रहा हूं ठीक 24,000 से ऊपर की, ठीक है ना,
तो पहली जगह पे मैं बैठा रहा हूं किसको? दो को। कितने तरीके से? एक तरीके से, बैठ जा, दो को बैठा दिया। नहीं आया समझ में? टू डिजिट को बैठाए, टू आ जा बैठ जा, ठीक है। अगले जगह पे बैठा है मैंने किसको? चार, तू आ जा बैठ जा भाई। कितने तरीके से? एक। अरे नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ भाई। जब मुझे नंबर ही पता चल गया तो मुझे 100% कंफर्म हो गया इसको कितने तरीके से बैठाना है। एक तरीके से ले बैठ जा भाई, कहानी नहीं पकड़ मारी। इसको बैठाने का तरीका एक, आगे की बात सुनना। अब इसके बाद मैं किसी को भी बैठाता हूं, 24,000 से बड़ा नंबर चढ़ेगा। मान लो जीरो ही बैठा, तीनों जगह जीरो ने कह दिया मैं बैठूंगा, तो ठीक 24,000 आ जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे किनी भी दो जगह जीरो और एक जगह एक भी बैठ गया तो 24,000 एक हो गया, जो कि 24,000 से बड़ा होगा। तो मैं उस एक 24,000 को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बाद में जाके पीछे माइनस एक करवा दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आने दे। पहली बात, एक इंटू एक, इस जगह को भरने के कितने ऑप्शन? सात। सारे लोग तैयार हैं, कोई भी बैठेगा 24,000 से बड़ा बनाएगा। नहीं आया समझ में? 24,000 या 24,000 से बड़ा बनाएगा। तो मैं यहाँ पे कितने ऑप्शन खोल रहा हूँ? सात। यहाँ पे कितने? सात। यहाँ पे कितने? सात। याद है ना? नहीं, क्यों? सात। मैंने बोला लास्ट में माइनस एक पीछे कहीं करवा दूंगा। कहानी पकड़ मांगी? लेकिन अगर मैंने यहाँ इंटू छह कर दिया तो पता है कितने चीजों का नुकसान कर बैठूंगा? कम से कम 500, क्योंकि इंटू में चल रहा है सारा खेल। कहानी पकड़ में आ गई? अब देखो जरा, फिर ये तो वही 24,000 की बात। अब मैं बात खोलता हूं किसकी? एक और डब्बा खोलता हूं। आपको समझ में नहीं आएगा क्यों खोल रहे हो। मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है, मैंने यहां तो लॉक करी थी सिचुएशन 24,000 एंड मोर। अब मैं क्या करता हूं? 24,000 पहली जगह पे ऑप्शन खोलता हूं, सारे मर्जी आए। कौन से वाले? सुनते जाओ। पहली जगह पे मैं ऑप्शन खोल रहा हूं 24,000 एंड मोर के लिए। सुना, मैंने अब की बार 24,000 की बात नहीं करी। पहली जगह पे बैठा रहा हूं सिर्फ दो को, बैठा दो। अच्छा, अगली जगह पे अगर भाई दवे मैं इसकी जगह खोलता हूं तो 24,000 से बड़े के लिए मैं यहां पे ऑप्शन खोलता हूं, बैठाता हूं पांच, छह और सात है क्या? नहीं है। और पीछे के सारे ऑप्शन खोल दूं, बैठे। पहली जगह पे दो को बैठाने का तरीका एक, अगली जगह पे इन दोनों को बैठाने के तरीके दो, पांच या छह, सात है क्या? नहीं ना। अच्छा, अगले वाले के बोल रहा आप? सात। अगले वाले का? सात। अगले वाले का? सात। आई बात समझ में? अच्छा, फिर और आगे चला। अब तक मैं कितने से आगे चला गया? यहां से मैं देखो जरा 25,000 आपके सामने लगा चुका हूं, 26,000 मैं आपके सामने लगा चुका हूं। क्या मेरे इन नंबरों से 27,000 आ सकता है कभी? कैसे पता? कैसे पता 27,000 नहीं आ सकता? 27,000 आने के लिए इधर कौन बैठना चाहिए था? सात। वो नहीं है। 28,000 नहीं है। 29,000 नहीं है। 30,000 के लिए खोल रहा हूं अगली बाजी। खोलो अगली बाजी। धीरे धीरे चलने का समय आया। पहली जगह बैठाने के ऑप्शन कौन कौन से? तीन, चार, पांच, छह, जो जो भी आओ सब आप 24,000 से बड़े दोगे अपने आप। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पे बैठाने के तरीके चार, अगले वाले पे सात, अगले वाले पे सात, अगले वाले पे सात और अगले वाले पे सात। कहानी समझ में आई? आया ना? तो अगर देखा जाए तो कुल कहानियां ये प्लस ये प्लस ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। और पीछे कहानी ठीक है ना? 24,000 से बड़ा दिख गया, थोड़ा थोड़ा दिखा होगा। कई होंगे आगे अभी चाइनीज है, छोटी है, धीरे धीरे खुलेंगी। देखो यही रहना, कोमा में रहने वाले आदमी को नहीं उठा सकते अपन, लकवे वाला को तो फिर भी जी ला लेंगे। ठीक है, ये तो 24,000 से बड़े। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोचो आप, मैंने आपको एक बात बोली थी पहले दिन, मैंने आपको बोला था कि इस पूरे चैप्टर के अंदर एक बात आप महसूस करेंगे, हम इतना सा लिखते हैं और उसके लिए मैं इतना बोलता हूं, ठीक है ना, इतना बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेस देन 54,000, लेस देन 54,000, ये पूरा पैसा वसूल कार्यक्रम होता है, पिछले चार महीने का हिसाब आप एक चैप्टर में निकालोगे मेरे, ठीक है। आइए 54,000 से नीचे अंकों के लिए सोचते हैं, ठीक है साहब। 54,000 सबसे पहले कहां से चालू करूं, पांच यहां बैठा हूं, चौपन बैठा हूं, नहीं चौपन यहां बैठते तो सारे नंबर 54,000 से बड़े के निकल जाएंगे, तो यहां किस किस की एंट्री खुलवा दूं, तीन ऑप्शन बोलता हूं, 0, 1, 2, 3, क्या ख्याल है, इनमें से कोई भी बनेगा तो किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, 53,666। अरे 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 हमारे पास 9 तो है ही नहीं ना, नहीं आया समझ में, तो ऑटोमेटिकली मेरे को 54,000 से नीचे देगा, नहीं आया तो पहली जगह पे बैठाने के तरीके एक, दूसरी जगह पे बैठाने का तरीका चार, और अगली जगह पे सात, अगली जगह सात, अगली जगह सात, दिख रही है आपको कहानी यहां तक, अच्छा प्लस अब दूसरी जगह वाले ऑप्शन बोलता हूं, अब पहले जगह पे पांचने का मैं हट रहा हूं भाई, ठीक है, मेरे एक तो सारे केसेस आ गए पांच वाले, हमने कहा कौन आएगा, कितना, 1, 2, 3, 4, राइट है ना, 0 तो नहीं ले लूं, तो पहली जगह पे कितने ऑप्शन, 4, अगली जगह पे 7, अगली जगह 7, अगली जगह 7, कर लोगे आगे तो, आगे और भी कोई केस बच गया, सोचें और तो कोई केस नहीं बचा ना, फिर भी दिमाग खुला हुआ है आपका, ठीक है, ऑप्शन मैंने खुले छोड़े हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अरे मैं ये ऐसा छोड़ता हूं, इनको आप ऐसे संभाल लिया करो अपने आप ही, जैसे ये 7 की पावर 4 × 4, 7 की पावर 3, अब देखो ऐसा 7 का क्यूब सब में कॉमन आ जाएगा, नहीं है, अरे जैसे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है ना, 7 का क्यूब 1 + 2 + 28 - 1, ये आंसर होगा एक्चुअल में, समझ में आया, नहीं आया, ऐसे लिखते हैं फिर इसको, समझदार पुरुष, ठीक है। और यहां पर देख रहा हूं तो यहां पर कितना, 7 का क्यूब ब्रैकेट के अंदर कितना, 4 + 28, ये आंसर हो गया, नहीं हाँ ऐसा नहीं कि अपने ऐसा छोड़ करके भाग गए भैया, ये तो आप संभालने वाले संभालेगा पीछे से, ठीक है ना, हाँ। अब आपको क्या सोच के आना, पता है मैं आपको तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हाउ दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वापस आप हाउ बिकम हाउस हो, हाउ हो जाए, ठीक है। सी नंबर ग्रेटर देन 24,000 बट लेस देन 54,000, हाँ भाई पहला क्वेश्चन आपके सोचने के लिए अभी है, क्या वही आंसर यूज कर लूं, नहीं उसमें माइनस वन नहीं होगा क्योंकि 54,000 लगने नहीं दी मैंने, हाँ पहले तो ये बताओ क्या वही आंसर चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों 54, ये वाला आंसर क्यों नहीं चलेगा, ये 54,000 से छोटा दे रहे हैं ना, तो क्या तकलीफ क्या है, हाँ इसमें नीचे जाने का कोई हिसाब नहीं है, दुनिया में इसकी दुनिया में एक केस ऐसा भी होगा जब 1 बनेगा, यहां चढ़ेगा 1 और सारी जगह 0, 0, 0 भी चढ़ेगा, नहीं आया तो आपको उसमें 10,000 दिखेगा, वो 24,000 से छोटा हो गया, लेकिन हमारे को उस क्वेश्चन में कैसा चाहिए, 24,000 से बड़ा, तो सर एक काम करते हैं इसमें से घटा देते हैं, या इसमें से ये घटा देते हैं, सोचना है आपको, सोचना है क्या ये घटा घटी से काम चलेगा या हर बार केस बना बना के काम करेगा, वो आपको सोचना है ना, वही सोचना है, ठीक है ना। जितना फाइट मारोगे ना, कुछ नहीं आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए, मान लो एक भी क्वेश्चन नहीं बने, वापस बोल रहा हूं कल वाली बात, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सर मेरा, मैं तल गया, बस ये जो शब्द है ना, मैं तल गया, ये समझ लो इसका मतलब 100% आप पकने की दशा में हो, अब आपको बनेगा आपका काम, लेकिन अगर आप ऐसे कैसे आगे, मैं क्या दुनिया का कोई आदमी नहीं सिखा सकता और मैं लास्ट आदमी हूं, लास्ट, ये समझना, उसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे ना, किसी भी आदमी को टॉप या बॉटम
उसकी क्वालिटी देख के दिया जाता है। ये इकलौता ऐसा आदमी है तो संभाल सकता है, नहीं तो नीचे सब बिखरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? लास्ट ऑप्शन में, ठीक है ना, कीमत होती है दो चीजों की, या तो इक्के की या जोकर की, ठीक है ना। हाँ समझ रहे ना, डार्क नाइट राइजेज। ठीक है, अगला पॉइंट और बात करते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्या ये क्वेश्चन है? ये क्या क्वेश्चन है? फाइंड थ्री डिजिट नंबर कंटेनिंग, ओके हाँ भाई क्वेश्चन है अगला, फाइंड थ्री डिजिट नंबर, ठीक है ना, फाइंड थ्री डिजिट नंबर कंटेनिंग कंटेनिंग ओनली 17, ठीक है ना, एंड ब्रैकेट में लिखकर कहा आर एन ए। हाँ साहब, तीन डिजिट का नंबर जिसमें मात्र एक जगह सात की परमिशन है, ठीक है, सिर्फ एक जगह, कितने डिजिट का नंबर है? तीन। डब्बा खुल गया, लो तुरंत आ जाओ मेरे साथ, किसी भी एक जगह सात को बैठाना है, बोलो कहां बैठाऊं? लास्ट में बैठा दो, सात को बैठा दो, सात आता बैठ जाए, कितने तरीके से बैठेगा? एक है क्या? नहीं, हम बताओ जरा इस पे कितने ऑप्शन? अरे सारे डिजिट खुले हैं, यहां पे कितने लोग बैठ सकते हैं? नौ। इस पे बोलो कितने? कौन कौन से लोग नहीं बैठ सकते? सात बैठ सकता है क्या? क्यों नहीं बैठ सकता? सात के बैठते दो सात हो जाएंगे, जबकि हमें कितना चाहिए? 17। इसका मतलब सात को और जीरो को छोड़ के आठ जन, और इस जगह दोबारा सोचो, रिपीटेशन अलाउड है क्या? कोई तो यहां बैठ गया, हट गया, और कौन बैठ चुका है? सात, वो भी हट गया, कितने जने रह गए? आठ। दिख गया कितने जने रह गए? आठ। कौन कौन से हट गए बोलो? जीरो और सात। नन्ना, जो यहां बैठ गया और जो सात है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब अलाउड नहीं है ना? आ गया, लिख दूं? आठ। एक मिनट दोबारा पूछता हूं, यहां कौन कौन छोड़े? जीरो और सात। यहां कौन कौन छोड़े? सात और जो पहले बैठ गया। जीरो की एंट्री होगी, लेकिन जीरो तो बैठ सकता है ना सेकंड नंबर पे, है कि नहीं? ये तो अभी एक केस हुआ, अगर कल को सात को आपने बीच में बैठा दिया तो किसान बैठ जाओ बीच में, बोलो यहां पे कितने लोग? जीरो और कौन कौन छोड़ो? जीरो और सात, कितने तरीके? हाँ, इसको एक, इसको आठ। श्योर? अच्छा अगले वाले पे बात करता हूं, अगला वाला बोलो, मजा आएगा इसमें। कितने? सात को यहां बैठा दूं, कितने तरीके से? एक, इसको आठ। पक्का? सोच के बोलो। नौ, लिख दो। नौ, इसके आठ। श्योर? ये सबके बीच में प्लस है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुना। कंटेनिंग एटलीस्ट 17। हाँ भाई, दोबारा सुनने और सोचने का समय हाजिर है साहब। कौन सी ऐसी लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन में पुरानी कोई बात जो आज ही बोली याद आई? क्या? हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट 1 याद आया, बिल्कुल, ये आपको दिमाग में चमक जाना चाहिए साहब, है कि नहीं? हाँ है ना, नहीं व्यूज व्यूज सब चलेगा इस बार तो, हाँ, इस बार सिर्फ कॉमा और डॉट दो से डरना है, ठीक है? अब जरा समझना भाई, कहानी को पकड़े। एटलीस्ट 1 मैंने क्या सिखाया था? एटलीस्ट 1 बोले तो, हाँ एटलीस्ट 1 सुनना, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल, टोटल माइनस नन। नन का मतलब समझे? नन का मतलब नो 7। जितने केस दुनिया में तीन डिजिट के बन सकते हैं, उनमें से वो सारे केस जिनमें कोई सात नहीं था वो हटा दो, बाकी सारे केस वो भर जाएंगे सारे के सारे जिनमें कम से कम एक या एक से ज्यादा सात थे। एटलीस्ट 1 7 का मतलब होता है कम से कम एक सात,
कम से कम एक साथ आना चाहिए, इसका मतलब दो साथ भी आ सकते हैं, तीन साथ भी आ सकते हैं, एटलीस्ट 17 चाहिए था। नहीं आई समझ में? दिमाग की खिड़की खोलना, बात समझ में? एटलीस्ट 17 का मतलब होता है कम से कम एक साथ, माने दो साथ भी चलेगा, तीन साथ भी चलेगा, एक साथ भी चलेगा। कहानी पकड़ मारी है? अब जरा समझना, टोटल कितने केस होते हैं दुनिया में तीन डिजिट के, वो सोचते हैं आओ आज, कितने केस दुनिया में टोटल होते हैं? वैसे तो गिन के बता सकता हूं 900। कैसे? 100 से ऊपर गिन ले भाई, सारे तीन डिजिट के होते हैं, 999 तक नहीं आया। और नहीं तो मान लो मैं तो भूल गया है ना, मैं तो भूल गया था सर, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सोच, तीन डिजिट के पहले पहले इस नंबर पे कितने लोग बैठा सकते हैं? 9। 0 छोड़ के कोई भी बैठ दो, अगले वाले पे 9। रिपीटेशन अलाउड है? 10। रिपीटेशन अलाउड है भाई, है ना? इस वाले पे कितने? 10। कितने हुए? 900। क्या ख्याल है? बता देना 100 से लेके 999 तक। अरे आप एनर्जी फुल लेके आए करो, इन दोनों बैटरी आपकी एकदम चमचमाती हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सारे डंडे आने चाहिए। हाँ मेरे तो तीसरी क्लास चलती है तो देखो मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ, ठीक है? आप तो बिल्कुल एकदम ढेर होकर आते हो, अभी खाना खाने का अब तो रेस्ट भी मिल जाता है आपको, है कि नहीं? हाँ साहब, अगले वाले की बात करता हूँ। 9-7, मेरे को अब साथ है ही नहीं, मेरे डिजिट से हटा दिया मैंने। बताओ पहली जगह पे कौन कौन बैठेगा? कौन कौन हटाए? 0 और 7, 8 जने बैठ गए। अगले वाले पे बोलो 9। कौन कौन? 7 हटा दिया है ना, 9। अगले वाले पे बोलो 9, ठीक है? तो 900 माइनस कितना होता है? 81 × 8 600 648 भावार्थ। कहानी पकड़ मांगी है ना? अच्छा प्रसंग है, काम का क्वेश्चन है साहब। वैसे तो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, अलग खेल है ये, ठीक है? कुछ लोग पीएनसी सोचते हैं चैप्टर है, नहीं साहब, दिमाग का विकास है, ठीक है? उल्टा इसको तो भले पैसे देके पढ़ना पड़ जाए ना, तो भी पढ़ लेना चाहिए साहब। चीज ही ऐसी बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाती है हर चीज को, ठीक है? मैथ्स में, मैथ्स की बात नहीं है, सोचने की मजबूर करती है। अच्छा एटलीस्ट 17 का मतलब ये होता है क्या? पहली बार बच्चों को स्ट्राइक करता है, इससे पहले मैं सिर्फ पढ़ता था एटलीस्ट 17 मतलब कम से कम एक साथ, कम से कम एक साथ माने एक साथ, दो साथ या तीन साथ, कुछ भी चलेगा, ऐसा सोचना आना चाहिए। क्विक वाला, ढीले आदमी नहीं चलेंगे, ठीक है? हाँ साहब, अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स इन विच, ठीक है ना, डिजिट एट, ठीक है, 100 प्लेस। भाई गेट बंद कर लेना यार, फिर वो उस दिन की तरह तबाही हो जाती है, खराब हो जाता है मामला। 100 प्लेस इज ग्रेटर देन अदर टू, ग्रेटर देन अदर टू, रेडी करूंगा। हाँ ये बहुत सही काम किया, लॉक हो गया था नहीं वहां, फिर तो आ जाएगा कोई, लेकिन फिर है ना आप में से कई लोग क्या करते हैं, आधे में उठ जाते हैं, आधे नहीं बैठ पाते हैं ना, तुम अब बैठे रहा करो, पहले सारे ही साथ उठो ना कम से कम। हाँ भाई, नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स इन विच, कितने डिजिट की बात हो गई? तीन डिजिट, डब्बे कितने बोलो? मेरे साथ रहना, क्वेश्चन नंबर 1.1 से चालू होना चाहिए हमेशा। थ्री डिजिट का नंबर है इन विच डिजिट एट कौन सा? 100 प्लेस, 100 प्लेस कौन सा होता है, इधर वाला या उधर वाला? अरे इधर वाला, वो तो इकाई होता है, हाँ या ना, यूनिट 10 और 100, इधर वाला, सारे हाथ एक साथ सारे हाथ उल्टे चले गए, ठीक है? 100 प्लेस है ना, ये होता है 100। क्लास सेकेंड का एग्जाम दिलाओ सालों उठा के ले जाओ इनको, है? अच्छा 100 प्लेस ये वाला, ठीक है, इज ग्रेटर देन अदर टू, ये वाला नंबर बचे हुए दो नंबर से ज्यादा होना चाहिए, ये कैसे सोचूंगा? धीरे धीरे सोचेगा, सोच यहां पे दुनिया में कभी एक आया, क्यों सर 0 नहीं आ सका? 0 आते तेरे को ले जाएंगे, ठीक है? पहले नंबर पे 1, सोच कितने ऐसे डिजिट बच गए दुनिया में जो पीछे आ सकते हैं और इससे छोटे होंगे, कौन कौन से? 0 और 0 नहीं आया, यहां पे क्या क्या ऑप्शन भर सकता था? 0 और 0 माने एक तरीके से भर सकता था, अरे नहीं आया समझ में? पहले नंबर पे तू एक बैठाएगा ना, तो पीछे वाले में तेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 2 0 0 बैठा दे, क्योंकि उसने बोला 100 वाला प्लेस बड़ा होना चाहिए। अब दूसरे बात, सेकंड, ये या
यहाँ अगला केस सोच रहा हूं, प्लस चल रहा है, अगला केस यहाँ किसको बैठा है, दो को बैठा थे, तेरे सामने ऑप्शन खोले, देखना जरा कौन कौन से, पहला 0001 या 1011, और भी सोचो, 02 नहीं हो सकता, नहीं आया समझ में, इससे छोटा होना चाहिए पीछे वाले दोनों नंबरों को, कितने केस हुए, 4, अरे देखो ना दिखा तो दिए, नहीं आया, 4 केस दिखा रहा हूं मैं, कि कितने केस बने, 4 केस, अब सुनना इस जगह पे बैठ गया कौन, 3, पहले नंबर पे 3, सर इतना मोटा डब्बा, ठीक है अभी देखना समझ में आएगा, ये भी छोटा पड़ गया, ठीक है अब यहां बचे हुए कौन कौन हो सकता था, पहले नंबर पे 0001 1011 1 नहीं ना 2 0 02 2 2 1 2 क्या ख्याल है, और 2 1 और भी कुछ बचा क्या, नहीं गिन लो जरा कितने, 3 और 3 6 और 3 9 राइट है कि नहीं, अब एक बच्चे को सर छोड़ दो, अब समझ में आ गया मेरे को, मैंने कहा कैसे, सोच पहले के कितने केस, 1, दूसरे के 4, अगले के 9, अगले के 16, ओके कम ऑन, ठीक है पहला केस कितना हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कितने केस बनेंगे, आखिरी डिजिट कौन सा होगा, 9, तो 9 केस बनेंगे, ठीक है तो यहां से इसे डैड डैश 9 का स्क्वायर, किसी को याद है 1 से लेकर n स्क्वायर तक का सम, भूल गए कौन सा, वो सर वो क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो भरता हूं जरा n की जगह कितना 9, अगला कितना 9+1, अगला कितना 18+1 डिवाइड बाई 6, भर दोगे हो जाएगा, कर लो ठीक है, एक और कर लेते हैं फिर दोनों एक साथ छोड़ देंगे, और क्या, और वैसे भी अगर देखा जाए पीएनसी में कौन सा उतारने में टाइम लगता है, सारा काम तो सुनने का है, ये दोनों ऐसा क्वेश्चन है ना जो हवा नहीं लगती लोगों को, क्या करना क्या था, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल 3 digits इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद कंडीशन दैट इफ 5 इज 1 डिजिट, ठीक है देन 7 कैन बी नेक्स्ट डिजिट ओनली, देन 7 कैन बी नेक्स्ट डिजिट ओनली, ठीक है भाई, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है साहब, ठीक है मतलब वाकई धमाकेदार क्वेश्चन है ना, अलग ही समझाने के बाद तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर भाई दे अचानक किसी को दे दिया जाए तो उसके दिमाग का है ना हर हिस्सा हिला देता है वो, ऑल पॉसिबल 3 digits नंबर, डब्बा कितने नंबर के खोलू, 3 digit के खोल दू, खोल दिए, हाँ साहब ओपन है, 3 digit के नंबर है, कैसे नंबर है, इवन नंबर है, इन विच इवन नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विद द कंडीशन, एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है सुनना, कि 5 अगर एक डिजिट है, 5 is 1 digit, 5 अगर एक डिजिट है, इनमें से कहीं भी 5 अगर एक डिजिट है तो 7 को उसका अगला होना चाहिए, माने 5 के बाद 7 आएगा, 5 के बाद किसी और नंबर को बैठने की मनाही है, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आई, लेकिन इवन भी होना चाहिए, दो कंडीशन एक साथ रन कर रही है, बहुत बैलेंस का खेल है, समझना, इवन डिजिट है इसका खेल ही अलग है, मान लो पहले नंबर में 5 ने कहा मैं बैठ रहा हूं, तो हमने कहा बैठ जा, कितने तरीके से बैठेगा, 1, तो 100% बात है 7 अगले नंबर पे बैठना था, कितने तरीके से बैठेगा, 1, और बाकी जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 5, कौन कौन से,
अरे 0 2 4 5 2 4 6 8 इवन है ना, वो तो लॉक है पीछे वाला इलाका, तो नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ मांगी। इसके बाद वाली कहानी है इंपॉर्टेंट, वो समझना। पहले नंबर पे पांच नहीं बैठा, बैठे पांच ने कहा मैं दूसरे नंबर पे बैठूंगा, मैंने कहा बैठ जा, ठीक है ना, पांच ने कहा मैं दूसरे नंबर पे बैठूंगा, तो सात को पीछे बैठना चाहिए था, लेकिन सात पीछे नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि सात ये बैठते तो इवन का लॉक हो जाएगा, नहीं आया समझ में। इसका मतलब ये कि पांच अगर यहां बैठेगा तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी, और पांच अगर यहां बैठ गया तो पिछला केस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां पर अभी कितने केस खुल सकते हैं, आठ। कौन कौन से? जीरो और पांच को छोड़ करके, क्योंकि पांच वाला केस तो मैं यूज कर चुका हूं। नेहरा लॉक चलाना दिमाग का, पहली जगह पे कितने, पांच वाला केस तो मैं दिखा चुका हूं ना, दोबारा थोड़ी दिखाने दूंगा, तो मैं दो जनों को रोकूंगा, किस किस को, जीरो को और पांच को, तो लिख रहा हूं जीरो और पांच छोड़कर, राइट है, कितने जने बैठ सकते हैं, आठ, कोई भी आइए बैठिए। सात बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है। सात हमेशा पांच के बाद बैठेगा, लेकिन सात के आगे हमेशा पांच बैठेगा ये नहीं बोला, नहीं आया समझ में। हर बात पे जोर देना है आपको, इसने क्या बोला, पांच अगर एक डिजिट है तो उसका अगला डिजिट कौन होगा? सात होगा, नहीं आ रही बात समझ में। पांच अगर एक डिजिट बैठा तो उसके पीछे सात बैठेगा, इवन नंबर भी होगा, कहानी पकड़ मारी है। लेकिन कहीं ये नहीं बोला कि सात के पहले पांच को बैठना मजबूरी है, राम के पीछे श्याम आएगा, लेकिन कहां बोला कि श्याम के आगे राम आएगा, नहीं आया समझ में। हाँ ये उल्टा भी आपको सोचना, यार ये तो बोला ही नहीं था सही में, पांच के पीछे सात की बात हुई थी, क्लियर है, तो मैं यहां पे पांच को हटा दिया, इसका मतलब पीछे से सात खुल गया, सात को यहां बैठना मजबूरी नहीं है, मर्जी है जो बैठाओ। अब कितने जने बैठ सकते हैं वो सुनना है मेरे को, कौन कौन से, कौन कौन से, जो यहां बैठ गया उसे छोड़ के सारे बैठो। क्यों सर, पांच बैठ जाएगा क्या? हाँ बैठेगा ना, क्यों नहीं बैठेगा, पांच बैठेगा, लेकिन पांच बैठेगा तो सात बैठेगा, लेकिन इवन नंबर की बात भी तो हुई है, तो वो दोनों बैलेंस कर लेंगे, नहीं है कहानी पकड़ में। इसका मतलब ये कि यहां पे कितने जने बैठ सकते हैं, नौ, ठीक है ना, नन्ना सात नहीं, जो यहां बैठ गया उसे छोड़ करके कोई यहां तो बैठेगा, कौन बैठा रहो, चलो एक नंबर बोलो आप, तो तीन को बैठा दूं, तीन बैठ गया तो तीन दोबारा नहीं बैठेगा, कहानी पकड़ मांगी। पांच बैठ सकता है क्योंकि पीछे तो इवन नंबर वाला लॉक है ना, इवन नंबर वाला उसको बैठने ही नहीं देगा, हट भाग यहां से, पहले मैं इवन पहले हूं, है ना, तो इंटू पांच, बार बार गेम घूमेगा, हां ना क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, कितना दिमाग लग रहा है, क्लियर है, याद रखना जो जो बोला लिख लेना। घर पे जाके काम क्या होता पता है आपका, घर पे जाके, हालांकि इसमें तो नहीं है, पता है ये भरना होता है, ये जैसे है ना, कहा है इसमें, देखो ये जैसे है ना, ये ऐसे, ये क्या लिखा है, इस पे इसको बैठाने के तरीके, इसमें इसके इतने जन वगैरह वगैरह, ये लिखना पड़ता है ना, और इसमें बचाव करें इस तरह के भ्रम से, जैसे क्या, ये कचरा, वो 24,000 से बड़ा, ये क्या है, ये दिख रहा है आपको, इस तरह की गलतियां कभी ना करें पीएनसी में, आपको खुद को ही समझ में है क्या था ये किसी एक बच्चे की जीरोक्स कराई थी, तो देखो सोचो कितना दर्द बैठ गया होगा मेरे को, ये क्या है, ये कर क्या रहा था, ये लिखा काट दिया, वो लिखा काट दिया, सब बेकार कर दिया, क्या ये क्या है, क्या केस का है इसमें, नहीं है, क्लियरिटी रखना, क्योंकि लिख कितने सारे, इतना सब तो लिख रहा हूं, वो क्वेश्चन में क्या लिखना है, बस ये तो लिखना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ भाई आपके सुझाव आमंत्रित हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए। नौ पहली जगह पे कौन कौन, आठ क्यों, जीरो पांच छोड़ के, दूसरी जगह पे नौ क्यों, पहला वाला छोड़कर, एक मिनट, क्या मैंने कहीं ये बोला रिपीटेशन अलाउड है, कहानी में रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड बोला है क्या, तो फिर क्या करूंगा मैं, अलाउड है, अच्छा अगर भाई दवे, हाँ ऑल पॉसिबल इवन नंबर्स, बिल्कुल, और अच्छी बात बोली इसने, है ना, ऑल पॉसिबल, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर किसको रुकवा रहे हो आप, ये तो बोलो ना,
केस क्लियर करो मुझे, किसको रुकवा दिया? पांच को। पांच भैया रुक जाओ, पांच छोड़कर, क्योंकि आप आओगे हमसे झगड़ा करोगे, है ना, सात को बोलोगे हमको इवन रखना है, छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा इसे कहते हैं कंक्लूड। हाँ बिल्कुल, कहानी क्लियर है? अब कल शेष, अरे हाँ शीट आपने कर ली क्या? सीपीएस, सीपीएस संख्या एक कर ली, आज करेंगे ना तब आपसे और ज्यादा बनेगी। उसमें एक आधी क्वेश्चन है जैसे आशिमा वगैरह का, ठीक है ना, आक्षी आक्षी वाला, हाँ ठीक है, वो छूट जाएगा, वो छोड़ भी देना कोई तकलीफ नहीं, बाकी सब बन जाएंगे लगभग। अब बना लेंगे आप?